गुरुग्राम में योग गुरु बाबा रामदेव ने खुलकर बीजेपी के लिए वोट मांगे। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, हरियाणा महाराष्ट्र में महारथी उतरे हैं, हमने पिछले 15 सालों से मतदान के लिए अभियान छेड़ा। उन्होंने कहा कि एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है, इसी से विधायक सांसद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तय होते हैं। बाबा रामदेव ने लोगों से अपील की कि वो चुनाव में वोट देने के लिए घर से जरूर निकलें। उन्होंने कहा कि ऐसे हाथों में नेतृत्व दें जो आने वाले 20 से 25 साल तक शहर, राज्य और राष्ट्र को सुरक्षित रख सकता हो। इस दौरान रामदेव ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। जो काम मोदी जी ने अच्छा किया वो कहना ही चाहिए, विपक्ष को भी कहना चाहिए। अरे हरियाणा में तो हुड्डा साहब ने कहा कि भाई धारा 370 हटा करके बढ़िया काम किया, तो इसमें बाबा रामदेव अच्छा बता रहे, तो इसमें क्या दिक्कत? नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो नेतृत्व देख करके वोट करें तो बात सही दिशा में जाएगी। और ये कोई अपने घर की खेती नहीं है भाई, ये देश का मामला है, पूरे प्रांत का मामला है। इसमें ऐसे हाथों में हमें नेतृत्व देना चाहिए जहां आने वाले 10-15-20-25 साल तक हमारा प्रांत, हमारा राज्य और हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे।